नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश गावा। इंडेक्स व्यू 22 जुलाई 2024 मंडे के लिए और 23 तारीख को बजट है। क्या लगता है, ये जो निफ्टी का बार देख रहे हैं, ये एक निफ्टी का वीकली बार है। ये जो बार बना हुआ है, ये कह सकते हैं एक रिवर्सल बार बन सकता है। कंफर्म नहीं हुआ लेकिन रिवर्सल बार है। इसको हम एग्जॉशन बार भी कहते हैं, मतलब एग्जॉस्ट हो गया। एग्जॉस्ट किस बात पर हुआ, ऊपर जाते जाते थक गया, उसको हम वैसा कहेंगे। अब इसका डेली बार देखते हैं क्या है। डेली बार कैसे, क्लासिकल रिवर्सल पैटर्न है, टोटल एंगल्फिंग रिवर्सल पैटर्न है, इसका मतलब नीचे आना चाहिए। वीकली बार के हिसाब से देखा जाए तो कंफर्मेशन की जरूरत है, एग्जॉशन है। डेली बार के हिसाब से देखें तो थका हुआ है, रिवर्सल पैटर्न है। इंट्राडे बार देखते हैं क्या लगता है, यहाँ पर आके मेक और ब्रेक जोन पर है। और ये मेक और ब्रेक जोन कहाँ पर है, 24,500। मैं मार्क कर लेता हूँ यहाँ पर, 24,500 लिख लेता हूँ, क्योंकि ये ब्रेकआउट जोन है, मेक और ब्रेक जोन, ये 24,500। अब क्या लगता है, रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस है ये जोन पर, ये है करीब 24,650 रेसिस्टेंस जोन है। अगर ऊपर जाता है तो 24,650 में जाके अटकेगा, रुकेगा, अगर ऊपर जाता है तो। और अगर 24,500 ब्रीच होता है तो गिरावट आ सकती है। ये बात मंडे को नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मंडे को तो साइडवेज है, बजट ट्यूसडे है, ट्रेंड आएगा तो ट्यूसडे के बाद आएगा, ट्यूसडे के शुरू हो सकता है या फिर ट्यूसडे के बाद वेनिशर से शुरू होगा। फिलहाल लगता है कि लो लेवल देखने को मिल सकते हैं और लेवल्स करीब कहाँ गया, ये जोन है जो मार्क कर लेता हूँ, कहाँ गया भाई साहब, ये इसको उड़ा देना पड़ेगा, ये रहा, यस अब खुलेगा लगेगा 24,400, लेकिन 24,500 मेक और ब्रेक जोन से, अगर टूटेगा तो लो लेवल देखेंगे, ऊपर जाता है तो 24,650 पे अटकेगा। डिफिकल्ट है, हमको देखना पड़ेगा कहाँ खुलता है और कहाँ जाता है। अच्छा लगेगा ऊपर जाएगा तो फिर सेलिंग करना चाहिए 24,650 के आसपास, या फिर ये टूटा आज का लो, फिर 24,500 जो है यहाँ टूटता है तो शॉर्ट करना चाहिए, लो लेवल देखने को मिलते 100-150 पॉइंट की गिरावट। लेकिन बिगर रेंज बार वीक है। बैंक निफ्टी क्या लगता है, ये रहा वीकली बार, वीकली बार तो है, 1-2-3-4 हफ्ते से हम देख रहे हैं जो बैंक निफ्टी है, एग्जॉशन है, थकान सी ऊपर है, ऊपर जाते थक गया, ये बैंक निफ्टी दिखाई दे रहा है। डेली क्या दिखाई दे रहा है, डेली में भी रिवर्सल बार है, ऊपर नहीं जा रहा। लेकिन बैंक निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, मेक और ब्रेक जोन, वो है यहाँ, वो होना चाहिए 52,150, लिख लेता हूँ। अगर 52,150 टूटता है तो मेरे ख्याल से गिरावट आ सकती है, वो ले आ सकती है कहीं पर 51,200 के जोन पर, लिख लेता हूँ 51,200 पॉसिबल है अगर टूटता है तो, टूटने का पूरे चांस हैं। अब तक वीक 52 लिख दूँ यहाँ पर, ये पूरे के चांस है अगर ये फ्राइडे का लो टूटा तो। स्ट्रेंथ कहाँ दिखेगी, स्ट्रेंथ दिखेगी जहाँ पर ये 52,900 है, 52,800 के बाद ही स्ट्रेंथ है, उसके पहले स्ट्रेंथ नहीं है। अगर ऊपर जाता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर रेसिस्टेंस है, ट्रेंड होगा तो शुरू मेरे ख्याल से वेनिसडे से होना चाहिए या फिर ट्यूजडे दोपहर के बाद बजट स्पीच के बाद। मंडे को कुछ भी हो सकता है, साइडवेज हो सकता है, स्ट्रेंथ नहीं है। मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि आप सिक्योरिटी मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इससे संबंधित सभी दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स को निवेश करने से पहले ध्यान से पढ़ें।